हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कल 14 सितंबर को दोपहर 1 बजे लाइव आने वाली हूँ, आपके सवालों के जवाब दूंगी, फ्री रीडिंग होने वाली है। मैं आऊँगी 40 मिनट के लिए, मैं लाइव आने वाली हूँ 1 से लेकर 1:30 बजे तक, या 1:40 तक मैं आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ लाइव आपके सामने आके, क्योंकि कल मेरा बर्थडे भी है। इसलिए मैंने सोचा है कि पिछले साल की तरह इस साल भी मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूँ और आपसे कुछ बातें करने का मुझे भी मौका मिले। इतना प्यार आपने मुझे आज तक दिया है, इतना सपोर्ट आपने मुझे दिया है, तो मेरा भी मन करता है कि कभी कभी टाइम निकाल के मैं भी आपके सामने लाइव आऊं और आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। तो अब मैं बात करती हूँ रीडिंग का टॉपिक हमारा क्या है। देखिए, अगर आप मानते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं, आपके सोलमेट हैं, चाहे आप माने कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपके DM हैं, आपकी DF हैं, तो किस तरह से वो आपको मिरर करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं तो किस तरह से मिररिंग होती है आप दोनों के बीच में। ये सोल कनेक्शन की मैं बात करती हूँ। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हैं, चाह के भी भूल नहीं पाते हैं, भले ही कुछ भी हो जाए, झगड़े हों या दूरियां आ गई हैं या सेपरेशन हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे ही रिलेशनशिप में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। देखते हैं कि आप जब लाइफ में कुछ करते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, जब वो करते हैं तो क्या हो रहा है। सिचुएशन में आपको हमेशा की तरह कार्ड्स में देख के ही बताऊँगी, जिससे आपको ये रीडिंग रेजोनेट है, होती है या नहीं, ये आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप प्रे कर लें, जिस भी हायर सेल से आप भरोसा करते हैं, ताकि आज मेरी इस रीडिंग में आपको आपके सवालों के सही जवाब मिले। क्या आपके पार्टनर आपको मिरर करते हैं? मिरर करना मीन्स जो जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, क्या वो भी कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों से हम अपने सवालों के जवाब ढूंढेंगे। क्या आपके पार्टनर आपको मिरर करते हैं? प्रिंसेस ऑफ कप आपकी एनर्जी है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इमोशनल एनर्जी मुझे आपकी रिसीव हो रही है, मेंटल एनर्जी मैं रिसीव कर पा रही हूँ, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स सिक्स ऑफ पेंटिकल ये मुझे मिली है आपकी एनर्जी। किसी चीज़ का आपको इंतज़ार भी हो सकता है, आपको याद तो आती है, हो सकता है आजकल आपको नींद कम आती हो, कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ, कुछ लोग काफ़ी बैलेंस्ड है। यहाँ पे दो एनर्जीज तो ऐसी मुझे नज़र आ रही है, एक तो वो जो डिस्टर्ब हैं, आपको उनकी बहुत याद सताती है, आप उनके बिना रह नहीं पाते, आपको नींद नहीं आती। दूसरी वो एनर्जी है यहाँ पे जो पूरी तरह से बैलेंस्ड है, जो बैलेंस्ड है वो तो अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, और जो भी परेशानियाँ आप दोनों के रिलेशनशिप में थी वो ठीक भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही, प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई आपकी नज़र आ रही है मुझे, नहीं हुई तो कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, दोनों एक साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप अकेले नहीं दिख रहे हो, आपके इंसेस्टर्स मुझे दिख रहे हैं, आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहे हैं, आपको ब्लेसिंग देते हुए दिख रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल मुझे ये दिखाता है कि
कुछ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नज़र आ रही है, अभी भी फाइनेंशियल स्टेबल ना हो किसी चीज़ की मुझे ऐसे दिख रही है कि आप वेट कर रहे हो, ये आपकी लाइफ में चल रहा है। तो अभी मैं देख लेती हूँ कि क्या आपके पार्टनर की लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्या वो मिरर कर रहे हैं, क्या उनको भी कभी कभी नींद नहीं आती है, आपकी याद सताती है, या बैलेंस्ड हैं। हम देखते हैं आपके पार्टनर कैसे मिरर कर रहे हैं आपको। जस्ट अ सेकेंड, मैंने डेक को दो बार सीधा किया, लेकिन फिर अपने आप शफल करते वक्त कार्ड अपने आप रिवर्स में आ रहे हैं। तो मैं इस कार्ड को एज इट इज ही लेना चाहती हूँ। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स ऐसे देख रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर हुआ था। मीन्स मैं अगर पास्ट फ्यू डेज की ही बात करूँ, मंथ की ही बात करूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि आपके इस पर्सन ने सोचा था कि ये आपको भूल जाएंगे, बट ये कार्ड रिवर्स आने का मतलब ये हो चुका है कि इन्होंने सोचा तो था बट ये कर नहीं पाए हैं। अभी भी ये स्टक हैं, रुके हुए हैं, ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, ये आपसे दूर नहीं हो पाए हैं। अभी ये एनर्जी दिख रही है, अगर आप भी उनको मिस करते हैं, आप भी उनको नहीं भूल पाए हैं। यस डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपको मिरर कर रहे हैं, वो भी आपको मिस करते हैं, वो भी आपको भूल नहीं पाए हैं। आपने भी सोचा होगा कि मैं आगे बढ़ जाऊंगी, उन्होंने भी सोचा था कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन आप दोनों ही आगे नहीं बढ़ पाए। तो पहली एनर्जी ने मिरर किया है आपके पर्सन, जो आप फील करते हो उनके लिए वही सेम फीलिंग आपके पर्सन की भी आपके लिए है, वो भी आपको नहीं भूल पाएंगे। उनको पता भी है एक्चुअली कि वो चीज़ होनी नहीं है, काफ़ी कोशिशें आपके पार्टनर ने की हैं आपसे दूर जाने की, बट वो नहीं जा पाए। लौट के वापस आना चाहते हैं, जो गया था वो आना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप को नींद नहीं आती, उनको याद करके कभी कभी आप का मन रोने जैसा होता है, या तकलीफ होती है, गुस्सा भी आता है, तो वो चीज़ें आपके पार्टनर में भी मुझे दिख रही हैं। बट मैं और कार्ड्स निकाल लेती हूँ और ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेते हैं आप दोनों की एनर्जी, आपके पार्टनर कैसे आपको मिरर कर रहे हैं। देखिए, जैसे आप होपफुल हैं, एक एनर्जी ने और मिरर किया है। देखिए इस कार्ड को तो मैंने देखा है, ठीक है, दोनों ही एनर्जी सेम निकली है। जैसे कि आप स्ट्रेस्ड हैं क्योंकि वो आपको छोड़ के गए थे, हो सकता है वो चीज़ें आपको अभी भी पेन देती हो कि नहीं, ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, इन्होंने गोस्ट किया था, मेज बिना बताया आपकी लाइफ से निकल गए, कुछ नहीं बताया आपको। तो उस चीज़ का इनको एहसास है, ये अभी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। दूसरा कार्ड आपकी एनर्जी में आया है, प्रिंसेस ऑफ कप, और इस कार्ड को मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ इस कार्ड से। तो आप भी जिस तरह से पॉजिटिव हैं, आपको एक उम्मीद तो है कि नहीं ग्रोथ होगी, वक्त के साथ ग्रोथ होगी। उधर देखिए, दोनों ही मुझे दिख रहे हैं कि रिलेशनशिप में ग्रोथ हुई है, इस दूरियों की वजह से भी नज़दीकियाँ आई है, इस सेपरेशन की वजह से भी आपकी एनर्जी में, आप दोनों की एनर्जी में मुझे और क्लोजनेस दिखाई दे रही है, पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि एक स्ट्रेस्ड आउट है, लेकिन वो स्ट्रेस अगर आपको भी होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए होता होगा, क्योंकि जब वो आपको मिस करते हैं, जब उनको पेन होता है, उनको आपकी याद आती है, तब आपको भी पेन होता होगा। क्योंकि ये एनर्जी मुझे लग रही थी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्यों है, वो इसलिए भी कि जब आपके पर्सन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है ना, आपके पर्सन जब आपको याद कर रहे होते हैं, तब आपको वो एनर्जी फील होती होगी। अदरवाइज आपके पर्सन भी काफ़ी पॉजिटिव है, फ्यूचर के बारे में उनको लगता है कि नहीं कोई रास्ता निकल आएगा, आप दोनों एक साथ हो गए, आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ये चीज़ आपकी भी है और उनके मन में भी है कि नहीं हो जाएगा, वक्त आने दो, वक्त आने पे, डिवाइन टाइमिंग पे, हम जैसा बोलते हैं कि डिवाइन टाइमिंग आने दो। तो
आप जिस तरह से स्टेबल हैं, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे ही आपके पार्टनर भी सेम वैसी ही एनर्जी में हैं, वैसे ही मिरर कर रहे हैं यहाँ पे भी, कि आने वाला टाइम आप दोनों का बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे फाइनेंशियल्स मैंने देखा था, यहाँ पे नंबर 6 और नंबर 6 दोनों ही तरफ कार्ड्स आए हैं, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है हमारे पास। और देखिए, ये भी, ये जो पर्सन है ना, आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे आपके अंदर है कि आप मिलें, ट्रैवल करें, हो लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे भी है, दूर रहते हैं आप एक दूसरे से, तो मिलना चाहते हैं आपके पार्टनर। और शायद इस चीज़ का आपने भी बहुत टाइम से वेट किया है कि आप उनसे मिलेंगे। आपके जो पार्टनर है ना, उनको पुरानी बातें याद आती हैं, जो पल आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे, आपको भी वो चीज़ें याद आती होंगी, वो वक्त याद आता होगा, वो बातें याद आती होंगी। आपका पर्सन भी पास्ट की वो बातों को अभी तक भुला नहीं पाए हैं, वो भी आपको याद करते हैं, वो भी आपके बारे में सोचते हैं, और वो उतना ही सोचते हैं जितना कि आप सोचती हैं, ये सोचते हैं। मेल फीमेल आप देख लेंगे कि आपको कौन सी एनर्जी है, आप मेल है फीमेल है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं ये एनर्जी आपकी हो सकती है, ये एनर्जी आपकी हो सकती है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर भी आगे आना चाहते हैं, फिर से आपसे बात करना चाहते हैं, आपको फ़ोन कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ये चल रहा है। और ये डिज़ायर कहीं ना कहीं आपके भी दिल में है, क्योंकि आप भी कहीं, आप भी चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ, तो वो भी चाहते हैं कि आप अच्छा टाइम स्पेंड करें अपने पार्टनर के साथ। बट कभी कभी क्या होता है कि ये पर्सन ने ना अपने आप को रोका भी हुआ है, और रोका आपने भी होगा नॉन एक्शन में, तो मुझे आप भी लगते हैं कभी कभी ना नेगेटिव हो जाते हो आप भी, तो ईगो की वजह से। तो देखिए, ईगो तो है आपके पार्टनर में डेफिनेटली, मुझे इस कार्ड ने दिखाया है कि ये पर्सन ईगो है, ईगो की वजह से भी ये अपनी बातें ना खुल के बोलते नहीं होते। जैसे इतना प्यार भरा हुआ है, इनका मन करता है आपके पास आने का, आपसे मिलने का, फिर से उस रिलेशन को ठीक कर देने का, बट इनका ईगो ना आपके सामने खुल के एक्सप्रेस नहीं करने देता इनको अपनी फीलिंग्स, कि हाँ इनका गुजारा नहीं हुआ। इनको ये बोलने में भी शर्म आती है कि मैं कैसे बोलूँ जाके कि नहीं, तुम्हारे बिना मेरा गुजारा नहीं हुआ, मैं नहीं रह पाया या नहीं रह पाई तुम्हारे बिना। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके अंदर ईगो अभी भी है, और इसलिए आप भी आगे नहीं जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो पहले आए और अपनी गलती माने, या वो कन्फेस करे। तो ये चीज़ें मुझे आपके अंदर भी दिखाई दे रही हैं। तो अगेन मैं ये बोलूँगी कि हाँ, दोनों रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, दोनों ही फ्यूचर को लेके पॉजिटिव हैं कि वक्त आने पे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, तो आप भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप भी इंतज़ार करते होगे इनका कि वो सामने से आके बात करें आपसे, वो खुल के बात करें। अगर उसके मन में फीलिंग्स हैं तो वो आपको बताएं, और ये चीज़ आपके पर्सन के लिए करना मुश्किल है इस वक्त। उनका नेचर ऐसा दिख रहा है कि वो सामने से आके नहीं बोल रहे हैं अभी। और मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी। देखिए, कंट्रोल तो आपने किया हुआ है, सेल्फ कंट्रोल मैं ज़रूर देख रही हूँ इस वक्त जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल है। मन तो आपका भी बहुत करता है, बट आप भी उनको बोल नहीं रहे हैं कि आप उनको मिस करते हैं, या आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं। आप भी बहुत कंट्रोल करते हो और आपके पर्सन भी करते हैं।
पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ आपके पार्टनर चलना चाहते हैं। पेशेंस का मतलब यही है कि वो अभी थोड़ा वक्त और लेंगे और चीज़ों को ठीक करने में थोड़ा सा वक्त लेंगे। आपको धीरे धीरे आके बात करेंगे और बताएंगे भी आके कि हाँ उन्होंने क्या क्या सोचा है, किस तरह। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 16 नंबर है, 1+6 करे 7 नंबर आता है, और आपके पर्सन के लिए भी यहाँ पे 7 नंबर ही है। स्पिरिचुअल हो सकते हो आप दोनों, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और सेम पाथ पे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हैं तो आपका जो काउंटर पार्ट है, आपके DM, आपके सोलमेट, वो भी स्पिरिचुअल है, पूरा फेथ है उनको। कुछ भी नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही है, उनको एहसास भी हुआ है, उन्होंने अपने पास्ट में जो गलतियां की है, और कहीं ना कहीं आपको भी समझ है इतनी कि नहीं, बट ये पर्सन बोलता नहीं है कि हाँ इससे गलती हुई है, बिकॉज ऑफ हिज ईगो, हर ईगो। देखिए, आपको लगता है कि ये आपके पर्सन हैं, आप इनसे ट्रू लव करते हैं, आपको बिल्कुल भी उस चीज़ के ऊपर तो डाउट है ही नहीं कि आप इनसे प्यार नहीं करते। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपका प्यार सच्चा है और आपको ये पर्सन ही चाहिए, इनके अलावा आपको कोई और खुशी दे नहीं सकता है। या जो आप जिस तरह का प्यार आप इनसे करते हैं, आप किसी और से वो प्यार कर नहीं पाएंगे। फिजिकल भी होने की अगर मैं बात करूँ तो आप अपने इस पार्टनर के साथ ही फिज़िकल होना चाहते हैं, आप इन पार्टनर के साथ ही इमोशनल कनेक्शन बनाए रखना चाहते हैं, ये मुझे आपकी डिज़ायर नज़र आ रही है। और आपको पता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम, ये सोलमेट हैं, आपको 100% श्योरिटी है इस चीज़ की। अब मैं देखती हूँ ऐसे में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। कनेक्शन, देखिए अगेन मिररिंग, ठीक है। जो बॉन्ड आप इनके साथ फील करते हैं, उनको फील होता है कि वो भी आपके साथ नहीं रह सकते, वो भी आपके अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते, वो भी आपके साथ ही इमोशनल कनेक्शन बनाए रखना चाहते हैं, आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। मेरा आप 100% आप ट्विन फ्लेम है, ट्रू ट्विन फ्लेम, ट्रू सोलमेट कनेक्शन में है आप। कमिटमेंट, और ये पर्सन चाहता तो है कमिटमेंट देना, बहुत जल्दी ये आके इजहार ज़रूर कर लेंगे। इनकी ईगो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इस बंदे की ईगो टूटने वाली है, टूट के ही रहेगी। बस थोड़ा सा पेशेंस इन्होंने रखा हुआ है, वो टाइम इनको दो जितना इनको घूमना फिरना है, जहाँ जाना है इनको जाने दो, धक्के खाने दो, लौट के ये पर्सन आएगा, कमिटमेंट की बात करेंगे ये आपसे, और आपको ये बोलेंगे भी कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। ये कन्फेस करेंगे, ये अपने प्यार को कन्फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है, कनेक्शन ही इतना स्ट्रोंग है, तो इनको करना ही पड़ेगा। तो ये मैसेज है, और मैं आपको एक एंजल मैसेज भी देना चाहती हूँ जो मेरे इस वक्त वीडियो देख रहे हैं। आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? क्यों कार्ड नहीं, यहाँ पे कार्ड्स काफ़ी आ गए हैं तो मैं रीड कर लेती हूँ अगर आए हैं। गुड लक, देखिए मैं आपको कार्ड एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यू आर ऑन अ राइट पाथ, एंजल आपको कह रहे हैं आप दोनों ही अपने राइट पाथ पे हैं, और आपको इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी, जब बीच बीच में आप जो नेगेटिव हो जाते हो ना, होपलेस हो जाते हो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी एनर्जी को भी पॉजिटिव ज़्यादा रहती है, ये मैं देख रही हूँ, बट येस एज अ ह्यूमन बींग कभी कभी हो सकता है आपका पेशेंस लेवल लो हो जाता है, या पुरानी बातें याद कर करके आप सैड हो जाते हो। तो आप को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे, और आपकी लाइफ में ना अभी कुछ अच्छा होने वाला है। इस कनेक्शन की ही मैं बात करूंगी कि बहुत अच्छा आप दोनों का रिश्ता, जैसे कि मैंने बोला था कि अच्छा
होने वाला है रिलेशन आपके आपके पार्टनर के साथ, भले ही आप सेपरेशन में हो, ये सेपरेशन आपका जल्द ही टूटने वाला है। दूसरा, यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है कि इस रिलेशन को लेके अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, वो आपके मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला है। और मटेरियल गेन और स्टेटस की मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने देखा है कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है, तो वो चीज़ें ठीक होने वाली हैं आप दोनों की लाइफ से। अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आप दोनों की लाइफ में चल रहे हैं, वो बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं। आपको गेन मिलने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। ये आपको एंजल मैसेज दे रहे हैं, ये दोनों के लिए, आपकी लाइफ में भी और आपके पार्टनर, क्योंकि अगर सब कुछ मिरर हो रहा है तो डेफिनेटली आप सक्सेस हैं तो वो भी सक्सेस होंगे, आप खुश हैं तो वो भी खुश होंगे, आप स्ट्रेस्ड हैं तो वो भी स्ट्रेस्ड होंगे। तो कहीं ना कहीं आप स्टक है तो वो भी स्टक हो जाएंगे, कहीं जैसे कि आपने रोका हुआ है, उन्होंने भी अपने आप को रोका हुआ है कि नहीं मुझे खुल के नहीं बात करनी है। चीज़ें थोड़ा स्लो चल रही हैं, देखिए टर्टल क्रॉसिंग रोड दिखा रहा है, आपको भी पता है टर्टल काफ़ी स्लो हौली हौली चलता है, तो यस सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी तो ज़रूर। और हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड मैं आप दोनों के बारे में बताना चाहती हूँ कि कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो बहुत जल्दी आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। ब्लैक मैजिक किया कराया, जो भी किसी ने भी आपके ऊपर बुरी नज़र डाली है इस रिलेशन के लिए, जो कुछ भी किया है वो भी ख़त्म होने वाले हैं। एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, होप रखनी है, होपलेस नहीं होना है। और एक और मैसेज, बटरफ्लाई मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंसेस नॉकिंग। देखिए आपकी लाइफ में अब न्यू, जैसे मैंने बोला है ना, यहाँ पे पहले भी कार्ड आया है कि कुछ नया तो आपकी लाइफ में होने वाला है, दूसरी बार भी आया है कि नई चीज़ें आपकी लाइफ में आपको मिलने वाली है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। ये मैं रिलेशनशिप की ही नहीं बात करूँगी, आप दोनों के करियर के लिए भी बोलना चाहती हूँ, दोनों के करियर में एक नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, ब्लेसिंग आपके साथ है। किसी को बटरफ्लाई भी दिख रही है तो उसका मतलब यही है कि आप नो किया जा रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि खुशियां आने वाली हैं। खुशियां आने से पहले आपको ऐसे साइन मिलते हैं या बर्ड आपको दिखते हों, बटरफ्लाई आपको दिखती है। और देखिए हेल्थ में यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरा ध्यान गया कोकोनट के ऊपर, तो आप ड्रिंक कीजिए, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। या आपको पसंद है या आपने का मन है, आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ तो है, कोकोनट मिल्क आप लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा, हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो होप गाइस मैंने आपको सारे मैसेजेस दिए हैं, तो लाइक कीजिए गाइस मेरी इस वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।